बारे में बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर बॉक्स जो है वो पैकेजिंग है, क्योंकि डब्बा हो चाहे वो लकड़ी का हो या वो किसी भी मटेरियल से बना हो। सो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पैकेजिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो हम उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कॉरोगेटेड और कार्डबोर्ड पैकेजिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैं कुछ सैंपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये एक कॉरोगेटेड बॉक्स है, ये ब्राउन कलर का बॉक्स है, तो ये कॉरोगेशन है। उसके लिए कैसे पता चलेगा, आप इसके इसकी जो इसके अंदर देखिए लाइंस लगी हुई हैं, ये लाइंस, ये कॉरोगेशन को आइडेंटिफाई करती हैं कि ये लाइंस हैं। ऐसे ही कॉरोगेशन बॉक्सेस जो है ना, ये प्रिंटेड में भी हो सकता है, मतलब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ ब्रांड्स के बॉक्सेस दिखाता हूँ। जैसे ये वंडर शेफ का एक बॉक्स है, ये मिक्सी का बॉक्स है उनकी, तो ये कॉरोगेटेड है। अब इसमें प्लाई का इशू होता है कि नंबर ऑफ लेयर्स, प्लाई का मतलब कितनी लेयर लगी हुई है कागज की, ये उसको डिफाइन करता है। तो ये एक हो गया एक ये। इसी तरीके से ये एक मिंडा का बॉक्स है, ऊनो मिंडा का, इनका कार का, ये आप देखिए ये भी थ्री प्लाई में है। मटेरियल को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉरोगेटेड और कार्डबोर्ड में डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डंकिन का टी बॉक्स है, टी फ्लास्क, जो उनका टेक अवे में टी चलता है उसके लिए। तो ये देखिए आप, ये थ्री प्लाई में है क्योंकि इसमें थ्री लेयर्स ऑफ द पेपर है। ऐसे ही अगर हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस की बात करते हैं तो वो होते हैं नॉन प्लाइड, सिंगल प्लाई होती है, उसमें कोई रिब्स लाइंस नहीं होती और ये सिंगल लेयर ऑफ पेपर से बनता है। इसको प्रिंट किया बनाया, जैसे जनरली ये फार्मास्यूटिकल्स हो गया या ये कुकीज वगैरह के बॉक्सेस हो गए या जो मिठाई के कुछ डब्बे होते हैं, सब डब्बे मिठाई के कॉरोगेट कार्डबोर्ड नहीं होते। हमें ये थोड़ा सा क्लियर रखना है अभी इस तरीके के। तो यही दो प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कार्डबोर्ड और कॉरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं क्या क्या।